हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गर्लफ्रेंड एपिसोड 23। एपिसोड 22 तक की वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शोरो और चीशिन गांव आते हैं और जिंग कागोची की प्रेजेंटेशन देते हैं। तो आगे वो लोग अपने घर वापस जा रहे होते हैं और शोरो जाते टाइम उस विलेज फैमिली से कहती है कि हमें इस जगह काफी मजा आया और आप सबका थैंक्स, आपने हमारी बहुत हेल्प की। वेल, शाओ तियान शोरो से पूछता है, दीदी आप क्या फिर यहाँ आओगी? तो वो कहती है जरूर, और अपनी ड्राइंग्स बनाते रहना। वेल, चीशिन कहता है चलिए अंधेरा होने से पहले हमें निकलना है, तो हम चलते हैं। वेल, आगे वो लोग अपनी सिटी वापस आ जाते हैं। तो चीशिन और शोरो वहाँ की यादों को याद करते हैं। वेल, नेक्स्ट मॉर्निंग सासा शोरो को कॉल करके कहती है कि तुम वापस आ गई और तुमने बताया भी नहीं, चलो जल्दी कैफे आओ, मिंजू आज एक अनाउंसमेंट करने वाली है। तो आगे शोरो कैफे आ जाती है और सासा मिंजू के साथ टाइम स्पेंड करती है। तो मिंजू और सासा उससे पूछती हैं, तुम्हारे साथ चीशिन वहाँ क्यों गया था? तो शोरो कहती है वो मेरी हेल्प करने वहाँ गया था, मिस्टर माओ ने उसे मेरे साथ भेजा था। वेल, ये दोनों शोरो की टांग खींचती हैं कि चीशिन तुम्हारे साथ गया था, वो तुम्हारी कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करता है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा है? तो शोरो कहती है अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या, ऐसा नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। फिर वो दोनों सासा को टीज करती हैं। वेल, मिंजू कहती है तो अब मैं अपनी अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि मैं और चैनजेंग शादी कर रहे हैं। तो सासा और शोरो बहुत खुश हो जाते हैं। तो शोरो और सासा उससे पूछते हैं ऐसे अचानक तुमने डिसीजन क्यों लिया? तो मिंजू कहती है चैनजेंग ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। वेल, सासा एंड मिंजू शोरो से कहती है तुमने इन दिनों काफी अच्छी अर्निंग की है, हमें गिफ्ट चाहिए तुमसे। तो शोरो कहती है ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तो सासा कहती है बजट अनलिमिटेड होना चाहिए। तो शोरो कहती है फिर तो मुझे दो बार सोचना होगा इसके बारे में। तो गाइस, यहाँ इन तीनों की क्यूट सी नोकझोंक होती रहती है। इधर चीशिन अपने ऑफिस के लिए कंपनी देखने आता है तो उसे कोई भी पसंद नहीं आती है और वो चला जाता है। फिर आगे वो और चैनजेंग मिलते हैं। तो चीशिन चैनजेंग से पूछता है तुम कैसे हो? तो वो कहता है कंपनी में अच्छा नहीं चल रहा है, जब से आपने काम छोड़ा है और टांग लिया हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो चीशिन कहता है तुमने मिंजू को शादी के लिए प्रपोज किया है तो तुम इस तरह अपना आपा नहीं खो सकते। वेल, चैनजेंग चीशिन से पूछता है बॉस आप क्या काम करोगे? तो चीशिन कहता है मैं अपना खुद का काम करूंगा। तो आगे चीशिन अपने घर में पैकिंग कर रहा होता है तो उसके एम्प्लॉयज उससे पूछते हैं आप कहाँ काम करोगे? तो वो कहता है मैं जगह देखने गया था लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आई। तो चैनजेंग कहता है बॉस मुझे पता है कि जहाँ आप काम करेंगे वहीं आपका घर होगा। वेल, आगे चीशिन कहता है इतना सारा सामान मैं अकेले कैसे उठाऊंगा? तो तभी उसके माइंड में चैनजेंग की बात याद आती है कि आप जहाँ काम करोगे वहीं आपका घर होगा। तो चीशिन अपने घर का एटमॉस्फेयर देखता है और अपने घर पर ही काम शुरू करना डिसाइड करता है। वेल, आगे सासा और शोरो शॉपिंग पर आते हैं तो शोरो सासा को एक ज्वेलरी गिफ्ट करती है और फिर वो दोनों मिंजू के लिए भी वेडिंग गिफ्ट खरीदते हैं और सासा अपना गिफ्ट पाकर काफी हैप्पी होती है। वेल, सासा शोरो से कहती है मेरे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया था जो भविष्यवाणी करता है। तो शोरो कहती है क्या तुम उससे मुझे भी मिलवा सकती हो? तो सासा 3 बजे का अपॉइंटमेंट ले लेती है। इधर चीशिन अपने घर पर ही ऑफिस बनाने की तैयारी कर रहा होता है और सामान शिफ्ट करता है। इधर सासा एंड शोरो उस एस्ट्रोलॉजर से मिलने आते हैं तो वो पहले सासा के बारे में बताता है कि तुम काफी इम्प्रेसिंग गर्ल हो और तुम अनजाने में बॉयज को इम्प्रेस कर लेती हो, तुम्हारे दिल में एक इंसान है लेकिन तुम उस तक नहीं जा सकती, तुम्हारे प्यार के रास्ते की बाधा तुम खुद ही हो, मुझे उम्मीद है कि तुम खुद ही अपने दिल के दरवाजे खोल सकती हो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास प्यार की खुशी जरूर आएगी। और उसे एक कार्ड देता है। तो शोरो कहती है अब मेरी बारी है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, मैंने एक पेड़ बनाया है और इसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है, तो मेरे बॉस ने मुझे उसके बारे में एक स्टोरी सुनाई है, ये लिली के बारे में है। स्टोरी सुनने के बाद मैं बहुत कंफ्यूजन में आ गई हूँ, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि ये पेड़ किसका प्रतीक है, मेरे दिल में वो इंसान कौन है जिसका मैं वेट कर रही हूँ। तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है स्टोरी काफी इनक्रेडिबल है लेकिन तुमने अपॉइंटमेंट सिर्फ आधे घंटे का लिया था और अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। तो सासा कहती है मैं तुम्हें 10 युआन और दूंगी, प्लीज हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए या फिर तुम अगली बार मेरे पास ऑपरेशन के लिए आओगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगी। तो वो कहता है मैं तो तुम्हें टाइम नहीं दे सकता,
लेकिन वो शुरू को एक मैजिकल रोल देता है और कहता है, तुम्हारी स्टोरी के अनुसार इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे दिल में कौन है, बस तुम्हें इसमें अपने सवालों के सही जवाब देने होंगे। तो शुरू कहती है, क्या ये मैजिकल है? तो सासा कहती है, क्या मैं भी एक खरीद सकती हूँ? तो वो उसे भी दे देता है। तो सासा बहुत खुश हो जाती है। वेल, आगे शुरू कहती है, क्या हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ है? पता नहीं क्यों मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा है। तो सासा कहती है, एक बार ट्राई करके तो देखो, क्या पता इसका रिजल्ट अच्छा हो। तो शोरो कहती है, ठीक है। इधर चैन जैंग जीशिन के घर आता है, तो वो उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो चैन जैंग कहता है, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, मैं आपके साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। जब आपने जॉब छोड़ी थी तो आपके जाने के बाद मुझे पता चला कि कड़ी मेहनत करना क्या होता है। जीशिन बॉस, जब तक आप मेरे साथ हो तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपके सुख दुख में। तो जीशिन को बहुत खुशी होती है। वेल, चैन जैंग कहता है, मैं मिंचू को एक अच्छी लाइफ देने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ आपके बिजनेस में साथ रहकर। तो जीशिन उसे अपने बिजनेस में शामिल कर लेता है और थैंक्स कहता है। इधर शोरो आइसक्रीम खाती है और अपने लक के बारे में सोच रही होती है कि तभी मिंचू आती है और कहती है, आज तुमने इतनी सारी आइसक्रीम क्यों खाई है? लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। तो शोरो कहती है, जब हम किसी से फॉल इन लव हो जाते हैं तो क्या फील होता है? तो मिंचू कहती है, क्या तुम अभी भी सासा की बातों से नाराज हो? क्या तुम सासा के उस एस्ट्रोलॉजर पेशेंट के पास नहीं गई थी? तो शोरो कहती है, वो मुझे ले गई थी लेकिन वो बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं है। हमारे बीच सिर्फ तुम ही हो जिसे प्यार का संबंध है, तो सोचा तुमसे ही पूछ लूं। तो मिंचू कहती है, ये काफी सीक्रेटली क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर तुम्हें नहीं दे सकती। तो शोरो कहती है, मैंने तुम्हारी और चैन जैंग के लिए वेडिंग गिफ्ट खरीदा है। तो मिंचू कहती है, दिखाओ मुझे। तो शोरो कहती है, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। अगर तुम इसे लेना चाहती हो तो तुम्हें अपनी लाइफ की सारी चीजें मुझे सिखानी होंगी। तो मिंचू उसे बताती है कि चैन जैंग से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ लाइफ स्पेंड करना काफी सही तरीका है। वो मेरे सुख दुख में मेरे साथ रहता है, मेरे दुखों को, कड़वाहट को, गुस्से को मिठास के रस में बदल देता है और लाइफ के अलग अलग टेस्ट हैं। एग्जाम्पल के रूप में चैन जैंग ही वो इंसान है जिसने मेरा दिल चुरा लिया। वेल, इधर चैन जैंग और जीशिन घर पर ही सेलिब्रेट कर रही होते हैं अपने नए बिजनेस के लिए। तो चैन जैंग कहता है, बॉस क्या हम बाहर चल के सेलिब्रेट करें? तो जीशिन कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो चैन जैंग कहता है, लेकिन ये आपके साथ काम करने का फर्स्ट डे है। तो जीशिन चैन जैंग को अपने में से थोड़ा फूड दे देता है और कहता है, अभी इसी से काम चला लो। और ये सीन काफी फनी होता है। इधर शोरो उस मैजिकल रोल को यूज करने की कोशिश करती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि उस पर क्या लिखूं और वो पेपर डस्टबिन में फेंक देती है। फिर आगे वो आइसक्रीम खाने लगती है तो उसकी आइसक्रीम खाने की वजह से हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो शोरो नेक्स्ट डे अपना चेकअप कराने आती है तो डॉक्टर कहते हैं, आपने इन दिनों को ज्यादा मीठा खाया है तो इससे आपके दिल में बेचैनी हो गई है। तो शोरो कहती है, क्या मैं ठीक हूँ डॉक्टर? तो डॉक्टर कहते हैं, हमने आपका हार्ट बीट ब्रेसलेट चेक किया है तो हमें कुछ असामान्य लगा है। तुम्हारी हार्ट बीट रिकॉर्ड में इस वीक को ज्यादा ही ऊंचनीच हुई है। नॉर्मल लोगों की हार्ट बीट रेट 100 होती है लेकिन इस वीक आपकी हार्ट रेट कई बार 150 तक पहुंच गई है और कभी कभी 180 पर भी पहुंची है। यही एक समस्या है, तुम्हें आने वाले दिनों में ध्यान देना चाहिए। तो आगे शोरो को याद आता है कि जब जब वो जीशिन के साथ हुई है तब तब उसकी हार्ट बीट बढ़ी है और जैसे ही वो उसके बारे में सोचती है तो उसकी हार्ट बीट फिर से बढ़ जाती है। तो आगे वो घर आकर उस मैजिकल पेपर को डस्टबिन में से निकालती है और कहती है, मैं जिस इंसान का वेट कर रही थी क्या वो सच में वही है? कि तभी जीशिन उसका डोर नॉक करता है और वो कहती है, ये यहाँ क्यों है? और डोर नहीं खोलती। तो जीशिन कहता है, डोर खोलो, आई नो कि तुम अंदर हो। और जैसे ही वो उसे कॉल करता है तो वैसे ही शोरो अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। तो जीशिन को शोरो का पासवर्ड पता होता है और वो गेट खुद ही खोल लेता है और अंदर आ जाता है और कहता है, तुमने डोर क्यों नहीं खोला? और शोरो के क्लोज आ जाता है तो शोरो सोफा पर गिर जाती है। बेल जीशिन कहता है, मैं टॉवल लेने आया था, तुम्हें क्या हुआ? तुम अजीब हरकतें कर रही हो। तो शोरो कहती है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, जाओ यहाँ से अपना टॉवल लेकर, और उसे बाहर निकाल देती है। तो जीशिन कहता है, लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। इधर शोरो की हार्ट बीट फिर से बढ़ने लगती है तो वो कहती है, शोरो स्टॉप स्टॉप,
वेल आगे शोरो डिनर करने जा ही रही होती है कि उसे चैनजेंग कंपनी आने को कहता है। तो वो कहती है, क्या किस्मत है, मुझे आज लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा। और कंपनी आ जाती है तो चैनजा उसे टैक्स करके कहता है कि प्रेजेंटेशन देखो, और उसने प्रेजेंटेशन चेंज कर दी होती है, उसे और डेकोरेट कर दिया होता है। तो वो देखती है और ये एपिसोड ही एंड होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।